Hey guys, welcome to my YouTube channel. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो इन तक देखिए. अच्छी लगे तो जरूर जरूर एक लाइक करिए. तो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का व्लॉग है, क्या है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने तक का तो कोई मतलब नहीं है. बट व्लॉग को यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैंने हेयर वॉश भी किया है क्योंकि थर्सडे था. कल वॉश नहीं कर पाई थी तो मैंने हेयर वॉश करा है. मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से जाने के लिए. अनुराग है वॉशरूम में, शानवी सो रही है, उसको अभी उठा के मैं रेडी करने वाली हूँ. उसके बाद चाय बनाऊंगी, उसके बाद हम जा रहे हैं बाय रोड, तो हमारी कार आएगी पिक करने के लिए. तो व्लॉग में बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है. लेट्स गो. 5 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रखा है और हम सब निकल चुके हैं. कार में एक और फैमिली है हमारे साथ, तो उनके साथ हम निकल चुके हैं और पूरा दिन का हमारा ट्रैवल हो जाने वाला है लुम्बिनी का. देखते हैं कब पहुंचते हैं. इनोवा हमारी गाड़ी है, पीछे अनुराग और शानवी बैठे. देखो शानवी को कितना मज़ा आ रहा है. ये हम पहुंच चुके हैं अपने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे और बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई थी यहाँ पे और पेपर वर्क में भी बहुत टाइम लगा था. अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर कि आपको वहाँ पे अच्छे से पेपर वर्क कराना पड़ेगा और वहाँ पे आपके 1.5 से 2 घंटे तो आराम से लग जाने वाले हैं. ये रहा, आ गए हैं अब हम अपने रिजॉर्ट में. जो हमारा रिजॉर्ट है टाइगर पैलेस रिजॉर्ट, ये आपका जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद आपका आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगा है और रिजॉर्ट आ चुका है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजॉर्ट है, देख सकते हैं आप. काफ़ी बड़ा, यहीं से पता चल रहा है कि कितना बड़ा है. ये सब बाहर का एरिया है और सारे कंट्री के फ्लैग्स भी लगे हैं स्टार्टिंग में. बहुत ज़्यादा ही बड़ा एरिया है इसका. होटल पहुंच चुके हैं, आई मीन रिजॉर्ट. अब हमारा लगेज जो है सारा वो जा रहा है रूम में और देखिए कितना प्यारा व्यू है. बहुत ही अच्छी जगह पे रिजॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा. ये रही मैं और अब हम जाएंगे अंदर, तो देखते हैं अंदर जाके कि कैसा है रिजॉर्ट, मुझे पसंद आता है कि नहीं. बाहर से तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी अच्छा है. अब अंदर देखते हैं क्या रहता है रिजॉर्ट का. ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है और यहाँ पे देखो किड्स जोन भी बने हुए हैं. मैं डिटेल में बाद में दिखाऊंगी आगे आई मीन टू से. पहले तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं और शानवी को तो बहुत मज़ा आ रही है और भी बच्चे हैं साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे रखा हुआ था 2 तरह के वेलकम ड्रिंक, तो हमने जाते ही पहले तो वेलकम ड्रिंक इंजॉय किया, उसके बाद फिर हम रूम में गए हैं. देखना अभी ये देखो शानवी ज़िद कर रही है मुझे भी चाहिए, बट फिर मैंने इसको दिया. मैंने कहा चलो अच्छा ले लो आई हो तो उसने भी इंजॉय किया वेलकम ड्रिंक. अब हम जा रहे हैं रूम में अपने, देखते हैं रूम का कैसा है. मैं और अनुराग, ये रहे अनुराग हाय करते हुए. तो अब हम इधर लॉबी से निकल के जाएंगे. हमारा जो रूम है, ओ सॉरी, पहले भी अच्छा एक्चुअली रूम में नहीं जाना है, पहले हमने हम पहुँचे, हमारा लंच टाइम है, हम लंच टाइम पे पहुँचे थे तो लंच रेडी है, तो पहले हम लंच करेंगे उसके बाद हम रूम में जाएंगे. ये कॉरिडोर एरिया है, ये भी बहुत अच्छा था. बाहर भी मतलब जगह जगह पे यहाँ पे भी सोफ़े वगैरह रखे थे बैठने के लिए और बाहर का व्यू भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो. और कॉरिडोर से फिर अब हम लंच के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे है लंच एरिया जहाँ पे हमें लंच या डिनर जो भी आपका फूड का है वो मिलेगा, तो अब हम लंच करेंगे फटाफट पहले तो, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी और बहुत टाइम हो गया. हम पहुँचे थे, हमें बज गए थे 4 नहीं आई मीन 5 बज गए थे आई थिंक. हाँ 5 बज गए थे रूम में पहुँचते 5. ये रही शानवी, अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ. कितना कूद रही है, कितना मज़ा आ रहा है. सबसे ज़्यादा तो इस ट्रिप में इसी ने इंजॉय किया है क्योंकि बहुत इसको मज़ा आया. बच्चे भी बहुत सारे थे और बहुत इसे खेलने के लिए भी बहुत मिला क्योंकि बहुत दिनों बाद ये घर से निकल के जा रही थी. ये लास्ट में हमारा रूम, रूम से बाहर भी आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही अच्छा है होटल का. अब हम पहुँचे रूम में, अब देखते हैं हमारा रूम कैसा है. तो ये देखिए बहुत ही अच्छा रूम भी है, बहुत बड़ा तो नहीं था बट अच्छा रूम था. ये रहा रूम और रूम से बाहर भी आप व्यू देख सकते हैं, गार्डन एरिया में का व्यू है. तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए बाहर भी झूले वगैरह सब लगे हुए हैं. और शानवी पहुँचते ही पहले उसने मुझे रेस्ट नहीं करने दिया क्योंकि हम मॉर्निंग 5 बजे के निकले थे और शाम, ये रहा वॉशरूम, बीच में वॉशरूम भी दिखाने लगी थी. हाँ तो मैं बता रही थी मॉर्निंग में 5 बजे के निकले हुए थे और इनफैक्ट हम रूम में शाम के 5 बजे पहुँचे थे, 12 आवर्स हो गए थे और इसने मुझे लेट नहीं दिया. तुरंत मुझे बाहर लेके गई और तुरंत झूले, कहने लगी मैं झूले पे झूलूंगी. और भी बच्चे थे
देखिए बाहर ये स्विमिंग पूल यहाँ पे, बाई गॉड इतना बड़ा स्विमिंग पूल था। मतलब मैं बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स में रुकी हूँ, पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल मैंने कहीं भी नहीं देखा, इवन गोवा में भी नहीं देखा मैंने। ये देखो इनका मस्ती पूरा ही चालू है। इस लड़की ने मुझे ज़रा भी रेस्ट करने नहीं दिया इस ट्रिप पे, क्योंकि हर थोड़ी देर में अनुराग तो रेस्ट कर रहे थे, बट ये मेरा सरकाती थी, चलो मम्मा मुझे गेम जोन में जाना है, गेम जोन में जाना है, और ये मुझे लेके गेम जोन में चली आ रही थी। देखो गेम जोन भी काफ़ी अच्छा इन लोगों ने बनाया था, बहुत। मैं रेडी हो चुकी हूँ, शांति और अनुराग भी आगे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं इवेंट के लिए। ये ट्रिप जो है नैरोलैक की तरफ से थी, तो यहाँ पे इवेंट भी था, तो हमने इवेंट में भी गए, इन्जॉय किया। ये थोड़ी सी क्लिपिंग इवेंट की भी है, देख सकते हैं आप। फिर मुझे शानवी गेम जोन लेके चली गई थी और मैं थक गई थी, उसके बाद मैं सो गई। सेकेंड स्टार्ट हो गया लुम्बिनी का, मैं तो खैर ब्रश व्रश कर आई हूँ, ये दोनों लोग यहीं सो रहे हैं। शानवी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के लिए शानवी ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने रख रखा था, देख सकते हो। सैलड्स वगैरह भी बहुत रखे हुए हैं, और मतलब जैम, ब्रेड, बटर और पूड़ियाँ, छोले भटूरे, मतलब बहुत सारी डिश थी, तो मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और हम फटाफट फिर चले गए। अब जा रहे हैं लुम्बिनी के लिए, आई मीन जो भी प्लेसेस हैं वहाँ घूमने। लुम्बिनी में जो बुद्ध टेम्पल है, आई मीन जहाँ बुद्ध जी पैदा हुए थे, उस जगह पे हम जा रहे हैं देखने के लिए। और हम पहली बार वैन में बैठे थे, मतलब वहाँ पे वैन हमें करना पड़ा क्योंकि हर जगह हमें परमिट लेनी पड़ रही थी, क्योंकि गाड़ी जो हमारी थी इंडिया की थी, तो हर जगह पेपर वर्क करना पड़ रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ जाने के लिए फिर लिया, मतलब वहाँ की खुद की गाड़ी ली करी, तो वो वैन थी। देखो जो कि हम लोग बोलते हैं माया देवी, माया देवी, माया देवी पुगने से पहले वहाँ हम लोग का टिकट लेना पड़ेगा। परसों एक आदमी का 40 रुपये लगेगा, ठीक है। टिकट लेंगे उसके बाद में जाएंगे, चप्पल निकालने का जगह अलग बनाएगा, मैं चप्पल निकाल दूँगी, एंट्री कराइए, जगह दर्शन करके आप 40। चलो 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 चलो, शानवी आ जाओ। जगह काफ़ी सुंदर थी, बट जो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा वो लगा ये कि इनके जो जूते हैं इन्होंने बाहर ही उतरवा दिए थे, यहाँ पे नहीं उतरवाए थे, आगे उतरवाए हैं, बट बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत मतलब हमें ऐसे नंगे पांव चलना पड़ा था। और कैंपस ये बहुत एरिया काफ़ी बड़े में बना हुआ था, काफ़ी अच्छा क्लीन था, अच्छा लग रहा था, देख सकते। ये अशोक पिलर है, अशोका पिलर है, ये भी बना हुआ है यहाँ पे, आप देख लो। और यहाँ पे और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जा पाई, तो वहाँ अंदर का आपको नहीं मिल पाएगा। और ये आप वापस आ गए, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। ये देखिए कितना बड़ा, ये तो बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ, बट एक चीज़ जो नेपाल में है ना, मैं वो बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंडिया से जा रहा है, अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो ना जाओ भाई, क्योंकि हर जगह इतना पेपर वर्क होता है, इतनी चेकिंग्स होती हैं ना, मतलब हर जगह आपको पेपर बनवाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रही है, आप चाहो पेपर बनवाओ, पेपर वर्क में 2-3 घंटे लग जाते हैं आराम से, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। या तो आप उतना टाइम लेके जाओ फिर तो ठीक है, और अगर आप टाइम लेके नहीं जा रहे हो तो आप वहाँ की वहाँ खुद वहाँ का लोकल जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। गोद में बन गई है छोटा बीबी, वाकई कल से बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है हमें। ए गाइस मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, मेरा फ़ोन खो गया था। हम लंच के बाद, मतलब हमें जाने के लिए सोचा कि हम यहाँ की लोकल मार्केट देख लें, क्योंकि एक मार्केट तो हमें बंद मिली थी, तो क्योंकि आज सैटरडे है तो उस वजह से बंद था, तो हमने दूसरे मार्केट का पता किया रिसेप्शन से, तो बुटोल
मार्केट थी, तो हमने वहाँ का पता किया कि वहाँ जाना है, हमने डिसाइड किया और हम चले गए। और जब मैं वहाँ पहुँची मार्केट में, तब मुझे पता चला कि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है और मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा एकदम मूड ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ोन तो चलता नहीं है या किसी अदर का, कि आप किसी को फ़ोन करके पूछवा लो होटल में या कुछ भी। तो मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, मैं किसी तरह अपने मन को मार के कि शायद मेरा फ़ोन रूम में पड़ा हो, ये सोच के मतलब किसी तरह शॉपिंग करने की कोशिश की। पर यहाँ इतना मतलब क्या मैं बताऊँ, बेकार सिस्टम है। हमने करेंसी नहीं चेंज कराई थी क्योंकि बॉर्डर के आसपास जो है वहाँ के एरिया में करेंसी ले ली जा रही थी, इंडियन करेंसी, तो हमने चेंज नहीं कराया, हमें रिसेप्शन पे भी इन्फॉर्म नहीं किया। फिर उसके बाद एक बीच में कॉल आ गई थी तो रिसेप्शन पे से, तो मैं वहाँ चली गई। हाँ, तो मैं मार्केट में पहुँची, जब वहाँ कार से हम उतरने लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ोन ही नहीं है मेरे पास, और मेरा मूड ख़राब हुआ। और उसके बाद जो है वहाँ पे हम गए शॉपिंग के लिए अपने मन को मार के कि शायद होटल रूम में मेरा फ़ोन छूट गया है। और उसके बाद जो है कि हम मार्केटिंग करने के लिए उतरे, और वहाँ पे हमने एक्चुअली हमने यहाँ इंडियन करेंसी चेंज नहीं कराई थी नेपाली करेंसी में, क्योंकि बॉर्डर के पास है हमारा रिजॉर्ट, वहाँ आसपास सारे मतलब इंडियन करेंसी ले रहे थे, तो वी थॉट कि वहाँ भी चल जाएगा। और रिसेप्शन पे भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आप चेंज करा लो। और बट जब हम वहाँ मार्केट पहुँचे, आई मीन आधा घंटा ट्रैवल करके, तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ शॉप्स पे कोई इंडियन करेंसी लेता ही नहीं, आपको नेपाली करेंसी चाहिए, तो पूरा वेस्ट हो गया। फिर हमें आगे जाना था शिव मंदिर, बट क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं था तो मेरा मूड बहुत स्पॉयल हो गया था। तो हम वापस होटल रूम में, और जैसे मैंने होटल में एंट्री करी, एक थे उन्होंने बताया कि मैम आपका फ़ोन छूटा हुआ है। मैंने कहा हाँ, मैं इतनी खुश हो गई, उन्होंने मेरी परेशानी देख के ही समझ गया कि मेरा ही फ़ोन छूटा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे भी लगा है, स्क्रीन सेवर पे मेरा फ़ोटो। तो उन्होंने बताया कि उनको फ़ोन मिला था और रिसेप्शन पे उन्होंने दे दिया, मतलब मैंने लॉबी में ही मैंने छोड़ दिया था फ़ोन अपना, इमेजिन। बट फाइनली मेरा फ़ोन मुझे मिल गया, इतनी मुझे खुशी हुई, मतलब कि मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत बहुत बहुत। अब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये दोनों भाभियाँ हैं जो हमारे साथ आई हुई हैं। हम लोगों ने बहुत मज़े किए और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी, तो बहुत मज़ा आया मुझे इन लोगों के साथ भी। बस इस ट्रिप में सबसे बेस्ट पार्ट तो यही था कि सब लोग एक साथ मिले और बहुत इंजॉय किया हमने, साथ में किया इंजॉय ट्रिप। तो क्योंकि 3 डेज का हमारा था तो ट्रैवलिंग में बहुत चला गया, ये बहुत बुरी चीज़ हुई हमारी। इतना ज़्यादा पेन है, सॉरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। आज हमें चेकआउट करना है, ये हमारा लास्ट डे तो नहीं है, बस अब निकलना है, क्योंकि मैं तो नहा धो चुकी हूँ, रेडी। हम लोग को निकलना है, मैं जा रही हूँ देखने के ब्रेकफास्ट रेडी है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। थर्ड डे था, लास्ट डे, आई मीन मॉर्निंग में हमें निकलना है, क्योंकि हमने सोचा चलो अयोध्या बीच में हो लेंगे, तो ब्रेकफास्ट हम करके फिर यहाँ। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने दिखाई भी है, भी ये खा ली थी, या बहुत कुछ होता है ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाने वाले हैं अयोध्या, अयोध्या के बाद हम घर जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा कि बीच में नेपाल से जब हम मतलब जाएंगे कानपुर के लिए, तो वहाँ बीच में हमें अयोध्या भी पड़ेगा, तो हमने सोचा अयोध्या भी हम हो लेते हैं। देखो सारे लोग पैक के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग हमारे साथ आए थे, सामान पैक कर लिया, हनुमान जी आ रहे हैं, सारों को जाना, लास्ट टाइम गेम जोन तो एकदम परेशान कर दिए, इसीलिए मैं रूम से निकल के। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इन्हीं लोगों को आ रहा है, गाड़ी में सामान रख गया है, लगेज हमारा पूरा, बट ये लोग पता नहीं कहाँ है, पेपर वर्क कर रहे हैं। फाइनली अब वापसी ये टाइगर रिजॉर्ट से, चलो जल्दी करो यार। अब ख़त्म हो गया हमारा
नेपाल का ट्रिप, अब हो रही है हमारी वापसी। लेकिन हम पहले जाएंगे अयोध्या, उसके बाद हम जाएंगे। ये देखो फिर से हम आ गए बॉर्डर पे और यहाँ फिर से वापस से चेकिंग होने लगी। मतलब चलो जाते हुए तो कम चेकिंग हुई, जब हम आ रहे थे नेपाल के लिए तब तो हमें 2 घंटे लग गए थे वहाँ बॉर्डर पे। ये देखो अब हम पहुँच चुके हैं अयोध्या। अयोध्या हम पहुँचे और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बट हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे इसलिए उतना इन्जॉय हमने नहीं किया। और दूसरी बात ये भी थी कि हमें राम मंदिर में तो दर्शन ही नहीं हो पाए, सिर्फ हनुमान गढ़ी में दर्शन हुए थे हमारे, क्योंकि रीज़न ये था कि संडे था और हमें टाइमली पहुँचना भी था, वापस से मतलब कानपुर आना था तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और संडे था तो हम जब लाइन हमने देखी तो वो रोड से ही मंदिर के लिए लाइन लगी हुई थी, तो 3-4 घंटे तो लाइन में चले जाने वाले थे। तो हम लोगों ने सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और राम मंदिर हमने दर्शन नहीं किया, हम वापस चले गए थे। देखिए ये बाहर का, अभी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है अयोध्या में, पूरा ही मतलब ठीक से प्रॉपर चलने की भी जगह नहीं है। वीडियो जितना हो पाया है उतना बना पाई हूँ मैं। नहीं जय बिट्टू की जय। वो जहाँ पे हम लोग जय जय कर रहे थे वो हनुमानगढ़ी की थे क्लिपिंग्स, और ये अब मैं राम मंदिर के लिए हम लोग जा रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। बट बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने दर्शन नहीं किए गाइस, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें वापस भी आना था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज़ें, बट अगर आप अभी जा रहे हैं तो प्लीज़ संडे को मत जाइएगा क्योंकि बहुत रश होता है संडे को। ये हो गई हमारी अयोध्या से वापसी। व्लॉग को मैं गाइस यहीं पर एंड कर रही हूँ। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस।